लगी कटारी मैं गाया
कैसे जियो
Charlie.
Yeah.
तेरे सने मुख आऊंगी, प्रीतिय माए बसाऊंगी, प्रीतिय माए बसाऊंगी, ज्ञान गुरु चरण लाऊंगी, ज्ञान गुरु चरण लाऊंगी, गुरु चरण लाऊंगी, ज्ञान में सुरत लगाऊंगी, ज्ञान में सुरत लगाऊंगी, गुरों की महिमा गाऊंगी, गुरों की मन चढ़ाऊंगी, मन चढ़ाऊंगी, दया गुरु पार जाऊंगी, दया गुरु पार जाऊंगी, जो निगाह दर्शन शब्द जगाऊंगी, ओंग धुन गरज सुनाऊंगी, ओंग धुन गरज सुनाऊंगी, धुन शरद न्याऊंगी, धुन शरद सुने पार जाऊंगी, माँ सुने पार जाऊंगी, ओंग मुरली बजाऊंगी, ओंग मुरली बजाऊंगी, धनपुर बीन सुना सुनाऊंगी, मुरिय का दर्शन पाऊंगी, मुरिय का दर्शन पाऊंगी, मरे इस सूरत चढ़ाऊंगी, मरे इस सूरत राधा स्वामी पाऊंगी, नरद राधा स्वामी पाऊंगी, नरद राधा स्वामी पाऊंगी, जननग शरण समाऊंगी, जननग राधा स्वामी गाऊंगी, आरती राधा स्वामी गाऊंगी, नरद बरे बल बल जाऊंगी, नरद बरे बल बल जाऊंगी, सुन गया सुन प्यारे मैं।
Bye.
चार वचन राधा स्वामी पार्ते भात दूसरा वचन है। पंडितों ने अपनी कदर यूं खोई कि जीवों को तीरथ और मूरत में लगाया, और जो संतों ने अपना मत वेद और शास्त्र से न्यारा कहा, पर पंडित और भेष ने उसकी कदर न जानी और जीवों को भरमा दी और अपनी कदर खोई। अब संत प्रगट यह कहते हैं कि तीरथ करने वाले और शास्त्र पढ़ने वाले और मूरत के पूजने वाले सब चौरासी में चले जाते हैं, और संत दया करें समझाते हैं कि कर्म भर्म छोड़कर सतगुरु वत्त का खोज करके उसकी शरण लो, और कोई उपाय चौरासी से बचने का नहीं है। जब चाहो तब करो, पर जब करोगे तब यही जतन करना पड़ेगा, बिना इसके चौरासी से बचाव नहीं हो सकता है, चाहे मानो चाहे न मानो। जीव और ब्रह्म दोनों भाई, सिर्फ इतना फर्क है कि उसको कामदारी मिली है और जीव सब उसके हुक्म में है। देह का बनाना और पालन करना सुपुर्द ब्रह्मा विष्णु महादेव के है, और संसार में फंसाना भी इन्हीं का काम है। पर मुत का देना सिवाय संतों के दूसरे के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि उस मालिक के जिसके अंश यह जीव और ब्रह्म है, सिर्फ संत ही शरीक है, यानी वे आप मालिक हैं, क्योंकि उस मालिक ने आप संत स्वरूप जीवों के उद्धार के निमित्त धरा है, और इस स्वरूप से जीव को वह स्थान देता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी हासिल नहीं। पर संत चरण पर प्रीत और प्रतीत दृढ़ होनी चाहिए। पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, और फिर अनेक हजारों लाखों और बेशुमार पर नौबत पहुंची। अब जिसको पूरे सतगुरु जो के उस एक से एक हो रहे हैं और उसी एक का स्वरूप है मिले, तब वह उनकी दया से अनेकता के भर्म से बचे और अपने निज स्थान में पहुंचे। संसार की जो करतूत है उसका फल जीव को प्रत्यक्ष नजराई देता है, इस सबब से संसार में जल्दी फंस जाता है, और परमार्थ का फल गुप्त है, उस पर जल्दी निश्चय नहीं आता है, और पहले निश्चय जरूर है, क्योंकि बिना निश्चय के करतूत कुछ नहीं बनी, और जब कुछ करतूत न बनी तो फल कैसे मिले और तरक्की कैसे होवे। वचन 42 वचन बाबू जी महाराज इलाहाबाद 2/12/1936। हुशार आदमी जानता है कि यह संसार और इसके सामान वगैरह सब नाशवान है और इसके सुख क्षणभंगी है, मगर परमार्थ की चाह तब ही हो सकती है जब दुनिया के तजुर्बात अंतर में पेवस्त हो जाएं।
दुनिया के त्याग से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक संसार की आस अंतर में मौजूद है। मालिक के चरणों में पहुंचने के लिए अनुराग सहित बैराग होना चाहिए। जो होशियार और बेदार मगज है उसको मालूम होगा कि यह जगत नाशमान है। चाहे जिस कदर दुनिया का सामान प्राप्त हो, यहाँ हमेशा कायम रहने वाला सुख और आराम नहीं मिल सकता। जिसको यहाँ सुख और आराम मानते हैं, वह असलियत में सुख और आराम तो है नहीं, मगर जो कुछ भी है वह भी क्षण भंगी है, यानी थोड़ी देर के लिए है। जरा जरा देर में विनष्टता यानी बदलता रहता है। यहाँ का धन दौलत हुकूमत अख्तियार वगैरह किसी पर भी भरोसा और एतबार नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़ा बादशाह जिसके पास सब सामान ताकतें इख्तियार मौजूद हैं, चिंता दर्द रोग शोक रंज प्रियता वगैरह से खाली नहीं है और वह इत्मीनान के साथ नहीं कर सकता कि वक्त जरूरत और मुसीबत पे यह चीजें कारगर होंगी। अक्सर ऐसा रोग लग जाता है या कोई फिक्र और दर्द पैदा हो जाता है या कोई शौक और रंज आ जाता है कि दुनिया के सब सामान और इख्तियार पड़े रहते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह के तजुर्बात अंदर में मुतवातर दसें और पैवस्त हों तब इस संसार से चित्त उदास और उपराम होगा और इस बात के तलाश करने की चाह पैदा होगी कि आया हमेशा कायम रहने वाला सत्य सुख प्राप्त हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो वह कहां और किस जरिए से प्राप्त हो सकता है। जब तक अंतर के अंतर यह तजुर्बा न होंगे तब तक संसार से चित्त नहीं हटेगा और जो त्याग या वैराग पैदा होगा उसकी कोई कीमत और हैसियत नहीं है। चाहे बाहर में किसी वजह से संसार से वैराग हो गया हो मगर अंदर में संसार की आस मौजूद है तो वह क्षणभंगी वैराग है, यानी थोड़ी देर के लिए वैराग है। कौन ऐसा शख्स है जो यह न मंजूर करेगा कि जगत नाशमान है, रोज पलक दम दम और कदम कदम पर देखता है कि यहाँ हर एक चीज विनस रही है, कोई चीज स्थिर और नित्य नहीं है और दुखी होने को तो सारा संसार दुखी है, मगर परमार्थ और मालिक से किसी को मतलब नहीं। अस्पताल में चले जाओ या जहाँ कहत पड़ रहा है या जहाँ मरी बीमारी आपत और विपत आई है या जहाँ भूचाल आया है जैसे बिहार और कोयटा में आया था, तो वहाँ हजारों लाखों मर्द औरत और बच्चे त्राह त्राह करते नजर आएंगे। उस वक्त वे महादुखी हैं, कोई पुत्र शोक में दुखी है, कोई पति शोक में दुखी है, कोई कोई शोक ऐसा होता है कि उसमें जिंदगी भर दुनिया से तवज्जो हटी हुई रहती है। अब देखना यह है कि वे चाहते क्या है। गौर करने से मालूम होगा कि वे ये चाहते हैं कि जिस संसारी वस्तु या यार दोस्त रिश्तेदार वगैरह से वियोग हुआ है या जिस संसारी भोग और सुख के न प्राप्त होने या उसके चले जाने में वह दुख और शोक आया है, वही सुख और सामान दोबारा प्राप्त हो जाए। करने का मतलब यह है कि किसी वजह से संसार से तवज्जो हटी और बैराग सा आया भी मालूम हुआ मगर संसार की आस नहीं गई। मरते वक्त भी यही ख्वाहिश रहती है
कि फिर जन्म लेकर आए और यहाँ की भोग भोगे। आस से जीवन है, संसार की आस मन में धरी हुई है, तब संसार में तवज्जो जाती है और सब काम काज करता है। आस के अनुसार वास मिलता है, जिस आस को लेकर जिस चीज चोले में आया है वह आस टूट जाए या निकल जाए तो यह चोला कायम नहीं रह सकता, छूट जाएगा। तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरकीब से ऐसी हालत पैदा की जा सके कि दुनिया में किसी चीज में भी तवज्जो न जाए और शोक न आए तो आप ही आप मर जाएगा। इसलिए कहा है कि खाली त्याग और बैराग की कोई महिमा नहीं है। अनुराग सहित बैराग हो तो फायदेमंद है। अगर मालिक के चरणों में राग और तवज्जो न आई तो हकीकत में संसार से बेतवजी और बैराग हुआ ही नहीं है। मालिक के चरणों के राग और अनुराग से जो बैराग उत्पन्न होगा उसकी महिमा और कदर और कीमत है। एक जगह से तवज्जो हटाने के लिए किसी दूसरी जगह तवज्जो लगानी पड़ेगी। संसार की वृद्धि आस लेते संसार से तवज्जो हटना और बैराग होना दृष्ट और बेकार है। त्याग और बैराग जैसा के ऊपर कहा है उसी का नाम है जो मालिक के अनुराग के फल स्वरूप में हो। तवज्जो और चित्त ही बढ़ते 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 इश्क और प्रेम के दर्जे पर पहुंच जाता है। यहाँ भी जिस चीज या जानदार जिस कदर तवज्जो जाती है उसी कदर उसमें प्यार और प्रीत है। मगर यहाँ तन अभिमान और मन अभिमान की प्रीत और प्यार है। तन और मन के अलावा कोई और जोहर है जो तवज्जो का अथाह समुद्र है। वह जब जागेगा तब प्रेम और इश्क पैदा होगा और तब यह मालिक से मिलेगा। यह भी प्रेम रूप है और मालिक भी प्रेम रूप है। मालिक की तरह यह भी समर्थ और शक्तिमान है, मगर इस वक्त वह शक्ति सोई पड़ी है। उसकी इस वक्त खबर नहीं है। उसी को जगाने का नाम ही परमार्थ है। यहाँ तवज्जो और प्रीत और मोहब्बत और मोह के लिए परवाने और क्षमा मछली और जल और चकोर व चंद्रमा की मिसालें दी जाती हैं। इस दौर प्रेम में क्या सूरत होगी उसका नमूना इन मिसालों में पाया जाता है। वरना इनकी अस खुद कुछ भी कीमत और हैसियत नहीं है। परवाना जानता है कि हम जल जाएंगे मगर फिर भी क्षमा ही पर जाता है। इसी तरह जल से वियोग हो तो मछली जान दे देगी मगर इन प्रीतों की कोई महिमा नहीं है। परवाने और मछली के पास तवज्जो और चित्त की पूंजी है भी कितनी। मछली के जिस्म की बनावट ऐसी बन गई है कि वह बिना पानी के नहीं रह सकती, वरना उसके पास प्रीत करने की कुछ भी पूंजी नहीं है। कुत्ता और घोड़ा वफादारी में अपनी जान दे देते हैं मगर जानवर की वफादारी और इंसान की वफादारी एक नहीं हो सकती। इंसान के पास चित्त यानी चेतनता की पूंजी बहुत ज्यादा है। इंसान के ऊपर देवताओं और ब्रह्मा और पारब्रह्म में दर्जे पर दर्जे और भी ज्यादा है और इन सबके परे निर्मल सूरत देखने में तो अथाह शक्ति है। सूरत मालिक से प्रेम और इश्क कर सकती है। उस सूरत की शक्ति को जगाना परम कर्तव्य और परमार्थ है।
इंजीनियर अजी सुरते करो मेरे साईया, सुरते करो मेरे साईया, हम हैं भवजल माहे आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ी पाए क्या मुख ले बिनती करूं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे तुम देखत औगुन करूं, कैसे भाऊं तो है मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नख सक भरा पार तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार औगुन मेरे बाप जी, औगुन मेरे बाप जी, बकश गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता की लाज औगुन किए तो बहु किए, औगुन किए तो बहु किए, करत न मानी हार भावे बंदा बखिए, भावे गर्दन मार साहेब तुम जन बीसरो, साहेब तुम जन बीसरो, लाख लोग लग जाए हमसे तुम्हारे बहुत है, तुम सम हमारे ना है, अंतर जामी एक तुम, अंतर जामी एक तुम, आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन लगावे पार, मेरा मन जो तो है सू, मेरा मन जो तो है सू, तेरा मन कहीं और कहे कबीर कैसे निभे, एक चित दो ठोर मन पर तीते न प्रेम रस, मन पर तीते न प्रेम रस, ना कुछ तन में ढंग, ना जानू इस पीव से क्यों कर रैसी संग, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़
तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। तुम तो समरथ साया, तुम तो समरथ साया, दृढ़ कर पकड़ो पाए, दुरेले पहुंचाइयो, जन छाड़ो मगमाहे, सुरते करो मेरे साया, सुरते करो मेरे साया। हम है भवजल माहे, आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ी बाहें, आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ी बाहें, सुरते करो मेरे साया, सुरते करो मेरे साथ कर जो अर्घ सुनो राधा स्वामी मोरी सत्य पुरुष तुम सत्य जीवन के प्रीत और माता दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे, सत्य युग त्रेता काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए, तीन छोड़े चौथा पद दीना, सत्य नाम सत्य गुरु गत जी, जगे मगे जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, सेत सिंहासन शर विराजे, अनहत शब्द गरिब धुन करे, जहाँ दास तुम्हारा लोक लोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, लोक लोक पाऊं सुख चरने शरण दीजे विश्रामा, करों में नदी दो कर जोड़ी स्वामी दो कर
परम गुरु दा
Yeah.